आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दायर किया, ये कहने के बाद कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पाठक ये जान सकते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में अपनी पूर्व पत्नी आलिया द्वारा उन पर और उनके परिवार पर नजरबंद होने और उन्हें और उनके बच्चों को अपने घर में कुछ सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाने के बाद चर्चा में रहे हैं। उसने अदालत से ये भी शिकायत की कि सिद्दीकी और उसका परिवार उस पर दहेज के लिए दबाव बना रहा था। हाल के सूत्रों के अनुसार जब उनके तलाक के दस्तावेज पेश किए गए तो बॉम्बे कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। #नवाजुद्दीन के वकील अदनान शेख और दृष्टि खुराना के मुताबिक ये कपल अब शादीशुदा नहीं है। अपने बयान में वकीलों ने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया सिद्दीकी उर्फ जैनब के तलाक के कागजी कार्रवाई प्रस्तुत की। इसके बाद कोर्ट ने दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। वकीलों ने ये भी दावा किया कि अदालत में शादी के दस्तावेज दिखाए जाने के दौरान उनके तलाक के दस्तावेज छिपाए गए थे। यह आरोप लगाने के बाद कि नवाज के माता पिता उन्हें और उनके बच्चों को प्रताड़ित कर रहे थे, आलिया सिद्दीकी ने अपने घर पर सुरक्षा गार्डों के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। वीडियो में आलिया उर्फ जैनब ने दावा किया कि इन गार्डों ने उसे और उसके बच्चों को बाथरूम और शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचने से मना कर दिया। आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के खिलाफ वसोवा पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए आईपीसी की धारा 498, 509 और अन्य के तहत प्राथमिकी दर्ज की। आलिया पर सिद्दीकी के परिवार ने जबरन घुसने का आरोप लगाया था।